राजधानी दिल्ली में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के चलते पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती दरों और कमर तोड़ महंगाई बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में 115 से भी अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। आक्रोशित महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्य चौराहों पर पेट्रोल डीजल रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के कारण हुई कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन ने कहा है कि मोदी और केजरीवाल सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के कारण महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सरकारों ने एक साल में कोविड महामारी की मार झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए कोई काम नहीं किया। महिलाएं पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सहित खाद्य तेलों सब्जी दालें वनस्पति रोजमर्रा की वस्तुएं लगभग 50% से अधिक कीमतों में खरीदने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी के अलावा दिल्ली सरकार प्रति लीटर पेट्रोल पर भारी भरकम वेट के जरिए 23 रुपए और डीजल पर 13 रुपए वसूल रही है, जिसके कारण दिल्ली में पेट्रोल डीजल की दरों के कारण महंगाई आसमान छू रही है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। घरेलू जरूरी वस्तुओं खाद्य तेल फल व सब्जियों के दाम दोगुनी दरों से भी अधिक दामों में उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन, प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी, पूर्व मेयर सतवीर सिंह, पूर्व निगम पार्षद पुष्पा सिंह, हरिदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थी। रिपोर्ट, नई दिल्ली, जनमत की पुकार न्यूज़।